वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सरबप्रीत कौर, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह पॉडकास्ट विच तुहाडा स्वागत करदी हां। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी दिवस के उपलक्ष्य विच असीं मई का महीना गुरु जी नूं समर्पित करते हाँ। अज पहले एपीसोड विच प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जी का लेख गुरु अर्जन की प्रतिभा तुहाडे अगे रख रही हाँ। गुरु अर्जन देव जी की जोत तो उही है जिहड़ी अकाल पुरख ने पहला आदि गुरु गुरु नानक देव जी राही उजागर ते प्रकाशमान कीती। पिछों गुरु नानक देव जी ने उही अकाल अनुभवी जोत भाई लहना जी दे हिरदे विच टिका के गुरु अंगद देव जी दे रूप विच प्रकट कीती। ते फिर गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी ते गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास जी राही प्रकाशमान कीती। गुरु जोत परंपरा दे इतिहासक विकास विच काया भावें बदलती रही, पर अध्यात्मक प्रकाश विच अकाल अनुभवी जोत गुरु पछाण का चिन्ह बन गई। अकाल अनुभवी जोत का प्रकाश जिस हिरदे विच होया वो गुरु प्रतिभा दे पछाण चिन्ह नाल अंदरों बाहरों शिंगारिया गया। ए अकाल अनुभवी जोत का प्रकाश जिस बोल बाणी राही लोक उदाहरण ते तरत लुकाई नूं सोधन हित संचार होया, ओ बोल बाणी सदा लई गुरु बोल गुरु बाणी ते सच्ची बाणी अखवाउण दा अधिकार ते मान प्राप्त कर गई। ए अकाल अनुभवी जोत जिस ग्रंथ विच लिखत बद रूप विच मूर्तिमान होई, ओ ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब दा पद ही प्राप्त नहीं कर गया, सगो धर्म परवृत्ति वालियां दी इष्ट पूजा दा प्रतीक भी बन गया। ए अकाल अनुभवी जोत दा प्रकाश प्रकाश नाल शिंगारिया हिरदा ते ग्रंथ ही केवल गुरु अखवा सकता है। इसे अकाल अनुभवी जोत ते प्रकाश नाल सारे भूमंडल विच जदों गुरु अर्जन देव जी दा हिरदा ते बोल जगमग करन लग पिया, तां गुरु रामदास जी ने 1581 नूं गुरु अर्जन देव जी नूं गुरु सिंघासन उते बिठा के स्पष्ट कर दिता ते उजागर भी कर दिता कि गुरु जोत ते गुरु प्रतिभा दे अधिकारी केवल गुरु अर्जन देव जी ही हन, पृथ्वी चंद या महादेव नहीं। गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 नूं गुरु रामदास जी दे गृह सेवा ते दृढ़ता दी मूरत माता भाणी जी दे कुखों शहर गोइंदवाल जिला अमृतसर विखे होया सी। गुरु परंपरा दे वारिस तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी आप जी दे नाना जी सन। जिवें पंजाबी सभ्याचार विच दादे ते पोतरे नाने ते दोतरे दा अंतरीवी रिश्ता प्रसिद्ध है, बिल्कुल इसे तरह द्वेता अर्जन देव दा अपने नाने गुरु अमरदास जी नाल बड़ा प्यार सी। अर्जन देव जी बारे तां सुप्रसिद्ध है कि उन्हां नूं जन्म तो ही गुरु छो गुरु प्यार गुरु मत दी सिख्या ते दिख्या गुरु जोत दे प्रकाश की पछाण जे किसी ने करवाई तो उस विच सब तो वध योगदान नाना गुरु अमरदास जी का ही है। बाल रूप द्वेता अर्जन देव जी प्रति इतिहासक ग्रंथा विच उजागर होए नाना गुरु अमरदास जी ने ए बोल द्वेता बाणी का बोएता निश्चय ही अर्जन देव जी की बनन वाली गुरु प्रतिभा दे पछाण चिन्ह का प्रगटावा सन। पृथ्वी चंद ते महादेव दोवे गुरु सपुत्र भी हैं, गुरु अर्जन देव जी के वड्डे भरा भी हैं, माता भाणी जी के होनहार पुत्र भी हैं, नाना गुरु अमरदास जी लई दोहते भी हैं, पर एक तत् ते सच स्पष्ट है कि गुरु सिंघासन उत्ते बैठन तो पहला दे जीवन आचार ते विहार विच ब्रह्म प्राप्ति लई गुरु मत दी जो भी सिख्या पछाण सी भरावां विचों ओ केवल गुरु अर्जन देव जी नूं ही प्राप्त होई सी। वड्डे गुरु सपुत्र पृथ्वी चंद बारे स्पष्ट है कि वह अंदरों बाहरों लोभ लहर का शिकार सी, संसारी वस्ता ते माया दी पकड़ वल रुचित सी। वड्डे गुरु पुत्र होण दा उसनू इन्ना होमे हंकार सी कि गुरु गद्दी दे सारे प्रबंध पसार नू वह अपने आप नू मालक समझदा सी। इस होमे अहंकार ते लोभ लालच कारण ही पृथ्वी चंद नू कदी समकाली सरकार दरबार नू गुरु अर्जन देव जी दे विरुद्ध विच पड़काया ते गुरु कदी गुरु दरबार दे रबाबी कीर्तनीए बलवंत सत्ता कोलो गुरु अर्जन देव जी विरुद्ध विगाड़ बोल भी बुलाया।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਨਾ ਹੋਮੇ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਸੀ। ਸਭ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਵੈਰ ਵੰਡ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਮੰਦਾ ਬੁਰਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਸੱਚ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸਹਿਜ, ਸੁਹਜ ਤੇ ਸਾਹਸ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਨ। ਇਹੀ ਦੈਵੀ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਾਲ ਅਨੁਭਵੀ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਦੀ ਸੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਤੇ ਕਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ।